सो वेलकम टू माय पार्ट टू। और आज हम वही कंटिन्यू करने वाले कल की हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग, जो ये है देख सकते हैं। इसको मैं अभी बना रहा हूँ थोड़ा बहुत डार्क, और आप नोटिस किया होगा कि मैंने नए पेंसिल लाए डॉम्स के, तो देख सकते हैं बहुत अच्छे पेंसिल थे, और एक स्टैंडर्ड को भी अच्छे से तोड़ दे सकता है, इतने खतरनाक पेंसिल से। और मैंने वो जो अब से थे वो मैंने दे दिए मेरे फ्रेंड को, एंड कि वो बिगिनर था इसलिए उसको मैं दे दिए। और मैं आई के डॉम्स के पेंसिल्स, एंड आज हम कंटिन्यू करने वाले वही ड्राइंग, तो मतलब ये हाइपर रियलिस्टिक वाली। सो वेलकम टू माई पार्ट टू, सो लेट्स डू इट गाइस। सो मेरा हो चुका है थोड़ा डार्क किया था मैंने ऊपर का, और मैं रेफरेंस फोटो को निकाल लेता हूँ फटाफट से, देख सकते हो रेफरेंस फोटो मेरा प्रिंट टेस्ट में, ये प्रिंट टेस्ट ऐप में मेरा रेफरेंस फोटो है इसका, और उसके हिसाब से बहुत अच्छे से बनाए। एंड लेट्स गो गाइस, मैं स्टार्ट कर लिया है। एंड लेट्स स्टार्ट गाइस, तो भाई जो मेरा रेफरेंस फोटो आ रहा है देख सकते हैं रेफरेंस फोटो, ये देखो ये मेरा रेफरेंस फोटो, ये रेफरेंस फोटो है, उसके हिसाब से मैं बना रहा हूँ। सो अभी मैं यूज़ करूँगा मेरी 4B, तो देख सकते हो रेफरेंस फोटो को मैं ऑब्जर्व करके बना रहा हूँ। उससे पहले गाइस मैं इधर के साइड पे डार्क पोर्शन जो है वहाँ पे कर लेता हूँ ब्लेंडिंग स्टम्प, लेट्स हैव अ ब्लेंडिंग स्टम्प। देख सकते हो छोटा वाला ले लिया है फर्स्ट ऑफ ऑल, छोटे वाले से फर्स्ट ऑफ ऑल कर लूँगा। एंड देख सकते हैं इसके साथ ऊपर के जो ये उसके साथ मैं मर्ज किया हूँ। एंड नाउ मुझे इसके जो डार्क पोर्शन थे उसको मैं बनाऊंगा विद द यूज़ ऑफ 8B, 8B को मैं यूज़ कर रहा हूँ, 8B का यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे डार्क पोर्शन से, यहाँ पे देख सकते हैं डार्क पोर्शन का 8B अच्छे से यूज़ कर रहा हूँ। एंड मैं ऐसे आपको डार्क करना है आपको, अगर आप मेरे साथ बना रहे हो तो गाइस बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जो रेफरेंस है बहुत अच्छा है, रेफरेंस बहुत कूल फोटो है, कूल मतलब बहुत अच्छा है प्रैक्टिस करने के लिए। अभी मैं इसके बाद पैचेस है उसको भी बनाने वाला हूँ, पैचेस को बनाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ एच बी का, एच बी नहीं टू बी है, टू बी का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे पैचेस को बनाने के लिए। देख सकते हैं पैचेस कैसे मैं बना रहा हूँ, और ये जो पैचेस है ये आपके ड्राइंग को ज़्यादा रियलिस्टिक बनाता है, समझ लीजिएगा जितना आप अच्छे से बनाओगे इसको उतना अच्छा आपका रेफरेंस आएगा। देख सकते हैं कैसे बन जाइए, और यहाँ पे अभी मैं यूज़ करूँगा 10B का, 10B नहीं 8B है, 10B का मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे 10B ले लिए, देख सकते हो 10B से मैं उसको बनाऊँगा, देख सकते हो और ब्लेंडिंग स्टम्प मैं ढूंढ रहा हूँ, ओके थोड़ा सा इधर था मिल गया। एंड उसके साथ ही साथ यहाँ पे और एक लाइन है, यहाँ पे 10B का यूज़ करूँगा मैं वहाँ पे भी, देख सकते हैं गाइस। और अभी मैं यहाँ पे लाइट पोर्शन से बना रहा हूँ, वो देख सकते हैं कैसे बन रहा है। और ये हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग जो मैं अभी बना रहा हूँ इसको बनाने में मुझे क्या लगता है आपको कितना 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 देर लगेगा? अभी मुझे लगे एक घंटा हो चुका है इतना बनाने में, पूरी ड्राइंग आई मीन पूरी ड्राइंग बनाने के लिए कितना
प्यारा दे लगेगा मुझे कमेंट्स में जाके जरूर लिखना, मुझे भी एक बार चेक करना है। देख सकते हैं कैसा बन रहा है ये। देख सकते हैं तो मैं लर्निंग स्टेम से इसको रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करूँगा इस प्रकार से। टेर भी से पूरा आँख बन चुका है, देख सकते हैं आँख बन गया है। एंड ये बहुत मेरे लिए तो ये रियलिस्टिक है रियलिस्टिक है। तो देख सकते हो मैं इस प्रकार से बना रहा हूँ इसको। सब्जी चंदी को आला भी मैं इसको मर्ज करने वाला हूँ, मर्ज करने वाला हूँ मैं अच्छे से इसको, मैं राइस मर्ज करने वाला हूँ। एंड बाहर कुछ काम चल रहा है तुमसे, इसलिए शो आ रहा है, काम चल रहा है बाहर, थोड़ा बहुत काम चल रहा था अभी, इसके लिए काम चल रहा है। खिड़की बंद कर लेता हूँ, गई मैं फटाफट वो बंद कर लेता हूँ। एंड देख सकते हैं एक हाइपर रियलिस्टिक आय को बनाने के लिए ये चीज़ें तो आपको करनी ही पड़ती है। एंड अभी क्या करना है मुझे, अभी वाइटनर, अगर आपके पास ऐसे वाइटनर होगा तो आपको वाइटनर का यूज़ करना है। अभी आपको वाइटनर लगने वाला है यहाँ पे, आपको बता दो कहाँ यूज़ होना है कैसे। और अगर आपको ये इस आपको भी ड्राइंग करना है तो मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में इस ड्राइंग का, आप भी इसको जाके ड्रॉ कर सकते हो। देख सकते हैं वाइटनर, मैं इसको फटाफट से निकाल लेता हूँ, देख सकते हैं। और शेक करना है और चेक करना और यूज़ करना है। आपको मिलता होगा इस ये वाला जो पार्ट, इतना वो होने के बाद आपको भी मिलूगा। तो भाई देख सकते हैं मेरा इस साइड का आँख हो चुका है और अभी मैं उस साइड का आँख कर आपको मैं मिलता हूँ। बट गाइस उससे पहले आपको मैं ट्यूटोरियल देती हूँ हाउ टू शेड अ नोज, सो आप पहले हम नोज को शेड करेंगे। तो भाई देख सकते हैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो पिक्चर है उसको ऑब्जर्व करना है कैसे है वो पिक्चर, और फिर आपको ये करना है। तो देख सकते हो, देखो इधर देखो उधर देखो कैसे बनाए। एंड अभी मैं यूज़ करूँगा डायरेक्टली 8B यूज़ करने वाला हूँ। एंड ऑब्जर्व करना है आपको कैसा ये पिक्चर, पिक्चर को कहीं ऐसा आपको ऑब्जर्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी देर के लिए शांत बैठ के आपको ऑब्जर्व करना है कैसा है पिक्चर, क्या है पिक्चर के अंदर, वो चीज़ आपको ऑब्जर्व करना है, फिर आपको बनाना है पोर्ट्रेट। सो आपको पिक्चर को मेनली ऑब्जर्व करना है फिर आपको बनाना है। सो मैं मिलता हूँ नोज होने के बाद। सो गाइस देख सकते हैं हमारा इस साइड का जो नोज होता है वो बन चुका है और अभी मैं बनाऊंगा इस साइड का आँख। सो सेम इसके प्रकार से इसको बनाना है। सो मैं मिलता हूँ ये वाला आँख होने के बाद। सो गाइस देख सकते हैं हमारा हो चुका है, अभी बहुत स्मूथली बन चुका है ये। और देख सकते हैं छोटे छोटे पैचेस मैंने बनाए एंड कैसा लगा आपको कमेंट्स में जाके। सो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।